श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राया तालाब वाराणसी से। मैं रोशन मौर्य आप लोगों को क्लास नाइन्थ का विषय विज्ञान जीवों में विविधता इस चैप्टर का, आप लोगों का कुछ टॉपिक छूट गया था जो कि ऑफलाइन क्लास में नहीं पूरा हो पाया था, तो आज मैं आप लोगों को यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, जो लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं ऑफलाइन में वो लोग रिवाइज कर लेंगे, और जो लोग नहीं पढ़े हैं जिनका छूट गया है वो लोग यहाँ से पढ़ेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस वर्ग के जो प्रमुख लक्षण होते हैं यानी कि स्तनधारियों के सामान्य लक्षण। ठीक, तो पहला, इस वर्ग के सभी जंतु नियत तापी होते हैं एवं उच्च तापी होते हैं। ठीक, अर्थात इस संघ के या इस वर्ग के जो जंतु होते हैं इन जंतुओं का शरीर का तापमान फिक्स रहता है, तो वातावरण के तापमान का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इनकी त्वचा में श्वेत ग्रंथियां एवं तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, अर्थात जो इस स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं इनकी त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। श्वेत ग्रंथियों से पसीने का श्रावण होता है और तैली ग्रंथियां तेल का श्रावण करती हैं। ओके, अगला पॉइंट देखिए, इनका शरीर सिर ग्रीवा धड़ एवं पूंछ में बटा होता है। स्तनधारी वर्ग के जो जंतु होते हैं इनका शरीर इन भागों में बटा होता है। ठीक है, हालांकि इन सब पॉइंट के बारे में आप लोग क्लास में ही पढ़ चुके हैं पीछे के अध्याय में, तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है मतलब उतना समझाना नहीं है आप लोगों को। ओके, अगला पॉइंट देखिए, मादा में शिशुओं का पोषण करने के लिए छाती में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये जिनमें दूध का निर्माण होता है या दूध बनता है। तो जो मादा होती है जो बच्चों को जन्म देती है उनमें बच्चे को जन्म के बाद दूध पिलाने के लिए जो छाती होता है उसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे कि बच्चा जन्म के बाद अपनी माँ से दूध को लेता है या दूध को ग्रहण करता है। ठीक, अगला देखिए, दांत जबड़े में लगे होते हैं और यह विषम दंती होते हैं, अर्थात स्तनधारी वर्ग के जंतुओं का जो दांत होता है ये जबड़े के अंदर धंसा होता है, जबड़े में फिट होता है, और इनके जो दांत होते हैं ये एक समान नहीं होते हैं। जैसे यदि हम लोग मनुष्यों में देखें तो मनुष्यों में दांत चार प्रकार के पाए जाते हैं, कृंतक रदनक अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक, तो ये दांत अलग अलग होते हैं इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम दंती। ठीक, अगला देखिए, इनके दांत जीवन में दो बार निकलते हैं। जो स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं इनमें जीवन काल में दो बार दांत आते हैं। जैसे अगर हम लोग छोटे बच्चों को देखें तो जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके 5-6 महीने बाद दांत आते हैं। ठीक, और ये दांत कुछ सालों में गिर जाते हैं और फिर इसकी जगह पे दोबारा दांत आते हैं, तो जीवन काल में इनके दांत दो बार आते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखिए, इनमें बाह्य कर्ण पाया जाता है, अर्थात इस वर्ग के जो जंतु होते हैं इनमें बाहर की तरफ कर्ण पल्लव निकला होता है। ठीक, श्वसन की क्रिया जो होती है ये फेफड़े द्वारा होती है। आपको पीछे के जितने भी टॉपिक थे उनमें सभी जंतुओं का श्वसन अंग हमने बताया था, तो ये स्तनधारी वर्ग के जो जंतु होते हैं इनमें भी जो श्वसन की क्रिया होती है ये फेफड़े द्वारा होती है, और जो कि स्पंजी होता है, अर्थात जो स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं इनका फेफड़ा स्पंजी होता है। उनमें जैसे आप लोग देखे होंगे ये जो साइकिल का गद्दी होता है तो उसमें आप उसको दबाएंगे तो वो दब जाता है, फिर उसके बाद छोड़ते हैं तो अपने यथावत स्थान पे बन जाता है, यानी कि वो स्पंज के समान व्यवहार करता है।
उसमें आप लोग अगर उसको पानी में डूबेंगे तो पानी को अपने अंदर खींच लेता है, फिर निचोड़ेंगे तो पूरा का पूरा पानी निकल जाता है। और ऐसे ही होता है स्पंज। तो अगर हम लोग देखें तो जो स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं, इनका जो फेफड़ा होता है ये स्पंज के समान कार्य करता है, और ये एक पिंजरे नुमा अस्थियों से घिरा होता है। यदि आप लोग कंकाल तंत्र का इमेज देखेंगे या कंकाल तंत्र का चित्र देखें, तो जो सीने वाला हिस्सा होता है उनमें पसलियों से बना एक पिंजरा होता है, जिसमें कि हमारा फेफड़ा सुरक्षित रहता है। ठीक, अगला देखिए। इनमें बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो जो स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं, इनमें जो रुधिर परिसंचरण होता है ये बंद प्रकार का होता है, यानी कि रुधिर धमनियों और शिराओं के माध्यम से जाता है। इसके पहले आप लोगों को हम बताए थे खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसमें कि आर्थ्रोपोडा संघ बहुत ही अच्छा था। तो आर्थ्रोपोडा संघ हो गया और मोलस्का संघ हो गया, इन सब में जो रुधिर का बहाव होता है ये खुले प्रकार का होता है। एक जगह से रुधिर आता है, मतलब कि हर्ट से रुधिर पंप किया जाता है और पूरे जितने शरीर के अंग होते हैं उसी में डूबे होते हैं। तो ये होता है आपका खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र। लेकिन जो स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं, इनमें जो रुधिर का परिसंचरण होता है ये धमनियों और शिराओं के माध्यम से होता है, और इनमें जो हृदय होता है, इनका हृदय चार कक्षों में बटा होता है। तो वो जो छोटे छोटे कक्ष होते हैं उनको अलिंद और निलय के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इनमें दो अलिंद और दो निलय पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए। वृषण दीह गुहा से बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। तो जो स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं, इनका जो वृषण होता है, वृषण स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में नर का प्राथमिक जनन अंग होता है। ठीक, तो इनमें जो वृषण होता है ये उदर गुहा से बाहर एक थैली नुमा संरचना होती है जिसमें ये उपस्थित होते हैं, जिसे हम लोग वृषण कोष कहते हैं। ठीक, अगला देखिए। मूत्र मार्ग जो होता है और मल मार्ग, यानी मूत्र और मल के त्याग के लिए, मूत्र और मल को शरीर से बाहर निकालने के लिए अलग अलग ओपनिंग होती है। अगर हम लोग पीछे बात करें, जैसे कि इसके बारे में पढ़े थे हम लोग, सरीसृप के बारे में पढ़े थे और पक्षी वर्ग के बारे में पढ़े थे, उभयचर के बारे में पढ़े थे, तो इन सब में मल और मूत्र के त्याग के लिए या शरीर से बाहर निकालने के लिए एक कॉमन ओपनिंग थी। दोनों आकर एक नली में खुलती थी और ये बाहर की तरफ खुलता था, जिसे हम लोग क्लोएका कहते थे। लेकिन यहाँ पर मूत्र और मल दोनों के त्याग के लिए अलग अलग बाहरी क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य इत्यादि, ये जितने भी जंतु होते हैं सब के सब स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं। ठीक, अब देखिए स्तनधारियों को हम लोग तीन उपवर्गों में बांटते हैं। ठीक, जिसमें से पहला आपका होता है प्रोटो थिरिया। पहला कौन सा? प्रोटो थिरिया। ठीक, तो अगर हम लोग प्रोटो थिरिया वर्ग के प्रमुख लक्षण को देखें, तो इनमें पहला लक्षण है कि ये सभी के सभी जो जीव होते हैं ये अस्तनधारी होते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ इनमें अंडे देते हैं, यानी कि ये जो जंतु होते हैं ये अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते। ठीक, अगला देखिए। इनके स्तनों में चुचुक नहीं होते हैं। देखिए आप लोग, जब ऑफलाइन क्लास चल रहा था तो उस वक्त भी बताए थे। ठीक, तो देखिए चुचुक क्या होता है, जो स्तन होते हैं या स्तन ग्रंथियां होती हैं इनमें जो दूध बनता है, तो जो दूध इनके शरीर में बनता है इसको बाहर निकलने के लिए या बच्चों को ग्रहण करने के लिए एक सभी के सभी स्तन ग्रंथियां एक कामन या कलिजे एक नली में आके खुलती हैं। ठीक, और ये नली बाहर की तरफ खुलती है, और जिससे कि बच्चे जन्म के बाद अपनी माँ से दूध को
शक करते हैं या चूसते हैं। ठीक, तो स्तनधारी वर्ग के जो जंतु होते हैं प्रोटोथीरिया के, इनमें चूचक नहीं पाए जाते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखिए, यह आंशिक रूप से नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके जो शरीर का तापमान है ये फिक्स रहता है लेकिन पूरी तरह से नहीं रहता, यानी कि वातावरण के तापमान का इनके शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, इनमें कर्ण पल्लव नहीं होते हैं, अर्थात इनमें बाहर की तरफ कान उपस्थित नहीं होते। ठीक, पांचवा पॉइंट देखिए, नर में वृषण उदर गुहा में होता है, अर्थात जो नर होते हैं इनमें जो उदर गुहा या जो वृषण होता है ये उदर गुहा के अंदर होता है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, मादा में योनि तथा गर्भाशय नहीं पाई जाती है, जो प्रोटोथीरिया वर्ग के जंतु होते हैं इनमें मादा में योनि और गर्भाशय नहीं पाया जाता। अगला पॉइंट देखिए, अंडे बड़े पीतक युक्त एवं कवचित होते हैं, अर्थात जो प्रोटोथीरिया वर्ग के जंतु होते हैं इनका जो अंडा होता है ये कवच के अंदर बंद होता है, कवच के अंदर सुरक्षित होता है और इनमें प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है। प्लेसेंटा क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। प्लेसेंटा जो होता है ये माँ के गर्भाशय से और बच्चे के नाभि से जुड़ा होता है। जब बच्चा अपनी माँ की गर्भ में होता है तो उस वक्त इसी प्लेसेंटा, या इसको हम लोग हिंदी में अपरा कहते हैं, इसी के द्वारा बच्चे को सभी के सभी पोषण पदार्थ अपनी माँ से मिलते हैं। ठीक, अगर हम लोग प्रोटोथीरिया में एग्जाम्पल की बात करेंगे कौन कौन से जीव आते हैं, तो इसमें एकिडना और बतख चोचा ये दो प्रमुख जीव आते हैं। इसके अलावा भी होते हैं लेकिन आप लोगों को दो मेन एग्जाम्पल याद रखने हैं, एकिडना और बतख चोचा। ये देखिए आप लोगों को दो इमेज जो ऊपर दिखाया गया है, जो दो फोटो ऊपर है ये एकिडना का है और एक जो नीचे है ये बतख चोचा का। तो हम लोग बतख चोचा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो मुख होता है ये बतख की तरह होता है, इसलिए इसे हम लोग बतख चोचा कहते हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला वर्ग आता है आपका मेटाथिरिया। ठीक, तो ये जो मेटाथिरिया वर्ग के जंतु होते हैं ये प्रोटोथीरिया से अधिक विकसित होते हैं, जबकि जब ऑफलाइन क्लास चल रहा था उस वक्त भी आप लोगों को बताए थे हम कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं तो एक क्रम से पढ़ते हैं, जैसे जैसे जीवों का विकास हुआ है उनके विकास के आधार पर ही हम धीरे 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 आगे की तरफ, पहले सबसे निम्न कैटेगरी का, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो मेटाथिरिया वर्ग के जंतु होते हैं ये प्रोटोथीरिया से अधिक विकसित होते हैं, तो इनमें जो आपको लक्षण दिखाई देंगे वो भी ज़्यादा एडवांस होंगे। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इनके शिशु अपरिपक्व अवस्था में जन्म लेते हैं, अर्थात इनके जो शिशु होते हैं वे पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा पेरेंटल केयर की या माता के देख रेख की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक, तो प्रकृति ने इनके लिए एक अलग सी व्यवस्था की हुई है। तो इसमें अगले पॉइंट में देखिए, मादा के शरीर में उदरधानी होती है जिसमें बच्चे का विकास होता है। यदि आप लोग कंगारू का फोटो देखे होंगे तो उसमें देखेंगे कि जो मादा कंगारू होती है वो उसके शरीर में पेट में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें कि वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखती है, क्योंकि इस वर्ग के जो जंतु होते हैं ये अपरिपक्व शिशु को जन्म देते हैं तो शिशु अपने से बाहर सरवाइव नहीं कर पाता है, इसलिए इनको जब तक ये परिपक्व नहीं होते हैं उनको एक थैलीनुमा संरचना में रखा जाता है जिसे हम लोग उदर धानी कहते हैं। ठीक, अगला देखिए भाई, इनकी स्तन ग्रंथियों में चुचुक होते हैं क्योंकि जो कि उदर धानी में खुलते हैं। देखिए बच्चा जन्म के बाद अपनी माँ के उदरधानी में रहता है तो बाहर तो निकलेगा नहीं, तो जो स्तन ग्रंथियों से चुचुक निकलते हैं
वे उदरधानी में खुलते हैं ताकि बच्चा अपनी माँ के उदरधानी में ही दूध को ग्रहण कर सके। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, यह पूर्णतया समतापी होते हैं। अगर हम लोग प्रोटोथिरिया की बात करें तो ये जो जंतु थे ये पूरी तरह से समतापी नहीं थे, यानी कि इनके शरीर के तापमान का जो इनका जो शरीर का तापमान था इन पे वातावरण के तापमान का असर पड़ता था, लेकिन जो मेटाथिरिया के जंतु होते हैं ये पूरी तरह से समतापी होते हैं। वातावरण के तापमान का इनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनके शरीर का तापमान बिल्कुल फिक्स रहता है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, इनमें कर्ण पल्लव पाया जाता है और जो इनका वृषण यानी कि जो नर जनन अंग होता है ये उदर गुहा के बाहर उपस्थित होता है। ठीक, जैसे कंगारू और ओपोसम, ये हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक, ये देखिए, तो पहला इमेज तो आप सभी लोग देख सकते हैं कंगारू के बारे में, या कंगारू का फोटो आप लोग पहले भी देखे होंगे, लेकिन ये जो दिख रहा है इसको आप लोग चूहा या छछुंदर मत समझना, ये जो है ये ओपोसम है। ठीक, ये कम हम लोगों की तरफ नहीं देखने को मिलता है, ये दोनों जहाँ तक तो उम्मीद है शायद ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाए। ठीक, कंगारू तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है ये सबको पता है, और ये जो है ये ओपोसम है। अब ये कहाँ मिलता है ठीक ये मुझे नहीं पता। ओके, आप लोग चाहें तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। बाकी ये दोनों जो फोटो हैं ये कंगारू का है और ये ओपोसम का। ठीक, आगे देखिए, अगला जो आपका वर्ग आता है यूथिरिया, कौन सा यूथिरिया। ठीक, तो देखिए यूथिरिया के सामान्य लक्षण हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो यूथिरिया वर्ग के जंतु होते हैं ये सर्वाधिक विकसित स्तनधारी होते हैं। ठीक, तो प्रोटोथिरिया और मेटाथिरिया इन दोनों से अधिक विकसित जो हैं ये होते हैं यूथिरिया। ओके, अगला पॉइंट देखिए, यह पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं, अर्थात इनके जो बच्चे होते हैं ये पूरी तरह से विकसित होते हैं, परिपक्व होते हैं। ये अपनी माँ से या जन्म के बाद ये अपनी माँ के शरीर से बाहर निकलने के बाद दूध को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, ये उछल कूद मचा सकते हैं, जबकि ऐसा आपको मेटाथिरिया में देखने को नहीं मिलता है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, इनमें कर्ण पल्लव पाया जाता है। ओके, अगला पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट, इनमें स्तन ग्रंथियों में चुचुक उपस्थित होते हैं। ओके, इसके बारे में आप लोगों को पीछे हमने बढ़िया से बता चुका दिया है। ओके, अगला पॉइंट देखिए, वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। इनमें जो वृषण होता है जो कि नर का प्राथमिक जनन अंग होता है ये उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, इनमें वास्तविक अपरा या प्लेसेंटा पाया जाता है। ओके, ये देखिए, बच्चों एवं वयस्कों में दोनों में दांत उपस्थित होते हैं। यदि हम लोग गाय भैंस कुत्ता बिल्ली इन सब के बच्चों को देखें तो जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद ही हम लोग उसके मुख में देखेंगे तो दांत उपस्थित होते हैं, जबकि अगर मनुष्यों की बात करें तो उनमें बच्चे के जन्म के कुछ महीने बाद दांत निकलते हैं। लेकिन इस वर्ग के जो जंतु होते हैं या फिर अगर गाय भैंस इन सब की बात करें तो इनमें जन्म से ही दांत पाया जाता है। ठीक, अगला देखिए, अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो इसमें चमगादड़, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली मनुष्य ये सभी के सभी आपके यूथिरिया के या यूथिरिया वर्ग के जंतु होते हैं। ठीक, अब देखिए ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, इसके बाद जो वीडियो हम भेजेंगे वो आपके अगले चैप्टर को होगा। ठीक, तो आप लोग अपने नोट्स को प्रॉपर बना लीजिए और जिनका कुछ अधूरा हो वो पूरा कर ले। ठीक, ये न सोचें कि आप लोगों का स्कूल खुले या न खुले ये अलग बात है, लेकिन आप लोग अपने से पढ़ते रहिए और डेली इन शेड्यूल को फॉलो करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो आगे के जो चैप्टर है या आप लोग 10th में जब जाएंगे तो चैप्टर आपस में कनेक्ट है। ओके,